अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुलेमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टूल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो के बहुत सारे ऐसे क्वालकॉम के मॉडल जो आज अनलॉक टूल ने और ऐड कर दिए हैं अपनी न्यू अपडेट के अंदर। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, पहले हमें ISP पिन नोड के थ्रू करने के लिए मिलते थे, लेकिन अभी जो है ये मॉडल्स जो हैं आप डायरेक्ट अनलॉक टूल पर अनलॉक कर सकते हैं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और आज आपको मैं न्यू जो अपडेट है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये अनलॉक टूल की वेबसाइट के ऊपर ये उन्होंने आज ही अपडेट दी है, 10:43 पे सुबह ये अपडेट हुई है। आज 25 तारीख है, आप देख सकते हैं 25 जुलाई, और ये इसके अंदर आप देख सकते हैं ओप्पो क्वालकॉम आप FRP रीसेट कर सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं फ़ोन को। आज के अपडेट के अंदर जो उन्होंने मॉडल आपके साथ शेयर किए हैं वो आप देख सकते हैं, ओप्पो A76 CPS2375, इसको आप फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं और FRP भी रिमूव कर सकते हैं विदाउट टेस्ट पॉइंट। इसका लोडर उन्होंने दे दिया है। इसके बाद ओप्पो A95 4G CPI 2365, इसको भी आप कर सकते हैं विदाउट ISP पिन आउट, विदाउट टेस्ट पॉइंट। सिंपल है, बिल्कुल इजी वे है। मैं बहुत जल्द आपके साथ इसका शेयर करूँगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। ओप्पो A96 CPI 2333, इसको भी आप सेम कर सकते हैं। बहुत सारे मॉडल हैं, आप देख सकते हैं ये कितने मॉडल उन्होंने ऐड किए हैं, जिसके अंदर आप मज़ीद देखें तो ओप्पो F21 है, ओप्पो K10 है, ओप्पो K10 Pro है, ओप्पो फाइंड N ये है, उसके बाद ओप्पो फाइंड X5 है, आप फाइंड X Pro, Reno 7 4G आप कर सकते हैं, उसके बाद Realme 9 1 है, Realme 9 है, Realme GT 5G है, Realme GT 2। ये इतने मॉडल्स हैं, मतलब अगर देखा जाए तो ये बहुत वो मॉडल्स हैं जिनका काम कोई भी दूसरा टूल नहीं कर रहा था। आप उसको ISP पिन आउट के साथ ही कर सकते थे, आप टेस्ट पॉइंट लगाते या जैसे भी उसको करने की कोशिश करते तो लोडर एरर आ जाता था, लेकिन न्यू अपडेट के अंदर ये सारा एरर जो है वो क्लियर हो गया हुआ है। आप इसको इंतहाई जो है आसानी के साथ अब रीसेट और FRP इसकी कर सकते हैं। और इम्प्रूव इन्होंने ये किया है कि नोकिया जो है उसके क्वालकॉम एंड MTP जो ड्राइवर हैं वो ऐड किए हैं। उसके बाद इन्होंने फिक्स सर्टिफिकेट इज़ नॉट फॉर Windows 7, इन्होंने सर्टिफिकेट जो है इनका वो उसको फिक्स किया है। आपको एक चीज़ और पता होगी कि अनलॉक टूल की जो अपडेट है, इस अपडेट के अंदर जो है आप पहले इसको वर्क नहीं कर सकते थे Windows 7 के ऊपर, तो लेकिन बाकी विंडोज़ के ऊपर ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क करता है। विंडो 11 पे भी वर्क करता है, 10 पे भी, 8 पे भी प्रॉपर वर्क करता है, लेकिन विंडो 7 के ऊपर ये नहीं चलता। तो इसको जो भी इम्प्रूवमेंट थी इसके, मतलब लॉगिन के अंदर जो एरर आते थे वो भी क्लियर हो चुके हैं। तो ये इसकी अपडेट थी। तो आए ये वाले मॉडल्स जो हैं ये मैं आपको अनलॉक टूल के ऊपर भी दिखा देता हूँ। तो ये अनलॉक टूल हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद ओप्पो में चलते हैं। ओप्पो में जाने के बाद यहाँ पे हम सर्च करते हैं ओप्पो A76, तो ये चेक कर सकते हैं EDL बीटा। इसके अंदर आप सेव फॉर्मेट भी कर सकते हैं, आपका डाटा जो है वो भी सेव हो सकता है इसके अंदर। आप देख सकते हैं फैक्ट्री रीसेट इरेज FRP कर सकते हैं। A76 के बाद आप इसको A95 जो है वो कर सकते हैं, ये देख सकते हैं ओप्पो A95 4G और 5G भी है। 5G जो है वो MediaTek चिप है, लेकिन 4G जो है वो क्वालकॉम है, स्नैपड्रैगन 662 उसके चिपसेट है। तो आप उसको सेम देख सकते हैं, उसके अंदर आप सेव फॉर्मेट कर सकते हैं, फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं और इरेज FRP भी कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको Realme के मॉडल भी चेक करवा देता हूँ। Realme 9 1 ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम Realme 9 1 नहीं है, 9 i है। तो इसको हम देख सकते हैं, ये इसके अंदर भी आप सेम वही चीज़ें डाटा बचा सकते हैं और उसको रीसेट कर सकते हैं। दूसरा मॉडल देख लेते हैं GT 5G, यहाँ पे हम लिखते हैं GT, ये आ गया 5G। आप इसका भी डाटा जो है वो देखें, सेव कर सकते हैं, इसको रीसेट वगैरह कर सकते हैं, और ये प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। GT 2 देख लें, वो भी यहाँ पे आपके सामने न्यू भी है, GT New 2 TV है, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उन्होंने प्रॉपर आपको ऐड कर दी हैं, इनके लोडर दे दिए हैं। लोडर के बाद जो है इन्होंने सारे के सारे जो एरर्स थे वो आपके क्लियर कर दिए हुए हैं।
तो ये थी आज की न्यू अपडेट जो अनलॉक टूल ने हमारे साथ शेयर की है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर मैं जल्द ही कोई ना कोई वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।